यदि सीधी के हम नाम ले थे तो अपना जहन्म का आबत है। कहे कि सीधी अभी कुछ यदि आज से एक दशक पहले की बात की जाए तो सीधी बहुत कुछ रही। कहे कि यहाँ सिगरौली रहा, सिगरौली के साथ NCL खनिज के अपार भंडार रहा, किंतु अब सीधी जो है एक आदिवासी अंचल के क्षेत्र माना जाता है, आदिवासी जिला माना जाता है, और यह आदिवासी जिला में विकास के जो है अपार संभावनाएं, किंतु वह अपार संभावना का समझे वाले और ओमा कहन कहो वह अपार संभावना का तलाश करे वाले बहुत कम है। किंतु आज एक ऐसा हम अपना का जो है शख्स से वाकिफ कराऊँ जो ने शख्स के बारे में जान के अपना यदि सीधी के हैं या पूरे विंध के हैं या मध्य प्रदेश में रही थे तो सीधी के यह शख्स से अपना गौरवान्वित महसूस करब। विंध क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सब जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे यह बेहद पॉजिटिव खबर के। खबर यह है कि मध्य प्रदेश में एक कारनामा सीधी कह दी है, वह कारनामा ऐसा कि 23,000 ग्राम पंचायत में एक पुरस्कार, बाल हितैषी पुरस्कार जो राष्ट्रीय पुरस्कार आए सीधी के पनमार चौहान टोला का मिला, और दुबे दीनदयाल जो है पंचायत सशक्तिकरण जो है पुरस्कार जो वह राष्ट्रीय पुरस्कार आए दुबे मिल चुका है, और सीधी लगातार गौरवान्वित हो रहा है, पूरे प्रदेश में गौरवान्वित हो रहा है, पूरे देश में गौरवान्वित हो रहा है, बसरते उनके पीछे कितनी लगन परिश्रम और अथक जो है प्रयासन से यह संभव हो पाबा है। ता अब हम ज़्यादा बात करना खींचत की हम अपना का मुखातिब कराई थे परमार चौहान टोला के सरपंच से कि अब पहले तो अपना का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में, और अपना का हम स्वागत करी थे और यह बताई कि यह सफर के शुरुआत कैसा है और कैसा अपना पुरस्कारन के बिल्कुल झड़ी लगा दिए सीधी आदिवासी अंचल क्षेत्र है, यहाँ तक मतलब लोग हम कही थे कि बेसिक चीज अभी नहीं जाना था ही पुरस्कार के तो बात छाड़ दी, तो कैसा यह सफर की शुरुआत भय। कनिष्क भाई बहुत बहुत धन्यवाद अपना का, हम अपना से यह बात करे खातिर बहुत अपना अपने का गौरव महसूस करें, और सबको बतावे चाहिए थे कि हम 2018 में सरपंच बनन, हमारा नाम वीरेंद्र सिंह नन्हे पनमार चौहान टोला ग्राम पंचायत है, और यह जब हम सरपंच बनें तो देखत रहन कि हमारे गांव में बड़ी स्थिति दयनीय रही, लोग गरीबी में जूझत रहे और विकास नाम मात्र के रहा, तो सबसे पहले तो हम अपने देखें तो ग्राम पंचायत के हमारे कार्यालय नहीं रही, और ग्राम पंचायत के कार्यालय नहीं रही तो हम बच्चे खुद जाते रहें, पिछले पंचवर्षीय में तो हम बच्चे बोरी में बैठत रहें, और जैसे जब हम बने तो सबसे पहले तो अपने कार्यालय का मेंटेन करें, वहाँ फर्नीचर की व्यवस्था करें, सब पंचन का बैठक की व्यवस्था करें, ग्राम सभा में बैठे की व्यवस्था करें, और सबसे पहले तो बड़ा दुख लागत रहा कि गरीब आदमी एक ठे मजदूरी करा था, फोटो कापी करवावे खातिर बाजार जाए पड़ते तो फोटो कापी मशीन में खरीदें, वहाँ इन्वर्टर खरीदें, और वहाँ खातिर पूरा साज सज्जा से कार्यालय का सजाएं, और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का जेखा योजना नहीं मिल पावती रोके खातिर हम खुद फार्म भर भर के, चाहे उज्ज्वला योजना के हो, चाहे उनका आवास के हो, चाहे प्रसूत की सहायता हो, चाहे विवाह के सहायता हो, चाहे कर्मकार पंजीयन हो, जितनी योजना चलती हैं तो ग्राम पंचायत के समस्त योजना आज हमारे ग्राम पंचायत में हर पात्र व्यक्ति पावल्ला है, ऐसा कौनो व्यक्ति नहीं है जो के योजना के लाभ न मिले, और हम चार बिंदुओं पर काम करे का सोचन, बेटी, पानी, पेड़, गोचर भूमि। तो बिटियन खातिर बड़ा मन में दिक्कत होती रही कि है बिटियन के प्रति समाज में उपेक्षा होती, समाज में उनका आदर नहीं किया जाता है, लड़कियन के बरहा मनाई जाती, बिटियन जब हो जाती हैं तो बड़ा दुख मान लेता लोग। तो बिटियन खातिर हम एक ठे योजना चलाएं, हम ग्राम पंचायत के ग्राम सभा के बैठक लें, ग्राम सभा के बैठक में हम सब मिल के निर्णय करें तो एक ठे योजना बनाई गई बेटी गौरव योजना। यह बेटी गौरव योजना के मूल उद्देश्य यह रहा कि सबसे प्रथम बिटिया के बरहाव मनाई जाए, खुशी मनाई जाए, जेखे घर में बिटिया हों, और ओम हम सबके टीम पहुँच के हमारे समस्त कर्मचारी हम सब मिल के पहुँची और उनका खुशी मनाई, और खुशी में उनका हम अपन एक महीना के वेतन दान दी थे, उनके नाम से 5 पौधा लगवाई थे, और एक ठे शपथ पत्र ले थे कि हमारे परिवार से के भ्रूण हत्या न करी, और दूसरे हमारे बाल विवाह न करब,
और तीसरा बात यह रही कि जैसे लालन पालन पौधा के करब तैसे मैं बिटिया के करब। चौथा उच्च शिक्षा तक के बिटिया का दिवाऊ यह उद्देश्य एकर है। ये उद्देश्य से समाज में कुरूति दूर होती है, बाल विवाह रुकत ही, भ्रूण हत्या रुकती है, तो बिटियन की संख्या बढ़त ही, तो अनुपात लिंगानुपात रुकत है। तो एक कारण से यह समाज में सुधार के काम करें। अब बाल हितैषी पुरस्कार योजना जो प्रदेश में एक ठे मिलत है, 23,000 ग्राम पंचायतन में सिर्फ एक ठे मिला, वह हर प्रदेश का एक ठे मिलत है, वह मध्य प्रदेश से अपन सीधी गौरव प्रदान कर इस पूरे मध्य प्रदेश के मान बढ़ाई। तो सीधी वासी का सबसे बड़ा शुभकामना है कि पूरे सीधी वासिन के हम तो हम एक ठे कार्यकर्ता हैं, पूरे सीधी के नाम रोशन बा, पूरे नागरिक सीधी के नागरिक के नाम रोशन बा। जहिया प्रधानमंत्री के हाथे यह पुरस्कार मिली तो हम पूरे मध्य प्रदेश के प्रतिनिधित्व अपन सीधी करी, तो यह सबसे बड़ी गौरव बात के बात अपने ग्रामवासी सीधी वासिन का है। और दूसर बात पानी के रोके कि हम काम करें गाँव में, एक ठे अच्छा सुंदर डैम बनाएं और डैम में पानी चेक डैम के माध्यम से इतना सुंदर पानी भरा है कि वह बस्ती खाती ने उनठे कम से कम 1,000 लोगन का वह पानी से बहुत सुविधा मिली। पानी रुके से वाटर लेवल बढ़ी, पशुवन का पानी पिए के मिला, पक्षी मर जाते रहे गर्मी में तो वह पानी से पक्षी पानी पी ही, वह पानी से सुविधा भय। तो और तीसर बात ही रही पेड़ लगावे के, तो पेड़ लगावे खातिर 5 एकड़ में हम वृक्षारोपण करें। अब वृक्षारोपण के करे के बाद आओ ये फलोद्यान की स्कीम आई तो हम 5-6 एकड़ में इस तरह फलोद्यान हितग्राही मूलक में फलोद्यान लगवाए हैं। और यह चाहिए अब समग्र विकास पर ग्राम पंचायत के ध्यान दहन है। और हम कहा है कि अपन रोड बनवाए हैं और बाउंड्री वाल बनवाए हैं, ऐसा कोनो सरकारी भवन नहीं है जहां हमारे सुरक्षा के दृष्टि से बाउंड्री बची हो और हमारे यहां रोड बनवा दहन है। इन समग्र विकास पर हम ध्यान दहन है और अब उम्मीद है कि अब सबके सहयोग से और अच्छा आगे के प्रयास करते रह के हमारे ग्राम पंचायत में और अच्छा काम होता रहे। रोजगार में हम रोजगार में समूहन के माध्यम से मसाला उद्योग के काम करवाए हैं जो ने SSP मसाले के नाम से चल रहा है। ग्वालियर ट्रेनिंग का भेजे रहन, ग्वालियर से पैकिंग के वहाँ से आवत थी मसाला उद्योग है। बकरी पालन करवाए हैं, डेयरी के डेयरी खुलवाए हैं, मछली पालन के काम करवाए हैं। तो छोटे छोटे रोजगारों के अवसर अपने गाँव में प्रदान करने और जो बेरोजगार युवक हैं उनके खातिर हम ऋण की सुविधा खातिर LDM से बात करें हैं, 10 ठे केस वहूँ में पास करा देने हैं। और लगभग स्ट्रीट वेंडर में अपने यहाँ से 20-25 लोगों के स्ट्रीट वेंडर में रोजगार खातिर पैसा देवाए हैं। तो हर क्षेत्र में अपने ग्राम पंचायत के विकास खातिर हम प्रयास करें हैं और यह मैं के उम्मीद रही तो करत रहा। और पूरे सीधी वासिन का, पूरे मध्य प्रदेश वासिन का हम धन्यवाद दे थे। अपने यहाँ के पूरी टीम, पंचायत कर्मचारी, हमारे रोजगार सहायक, सचिव, सब मिलके आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सब मिलके के पर ध्यान दिन का है। बाल हितैषी पुरस्कार माँ आंगनवाड़ी में एक पोषण स्वास्थ्य समिति बनवाएं, पोषण स्वास्थ्य समिति के माध्यम से छोटे छोटे बच्चन का पोषण आहार, कुपोषित 12 बच्चा हमारे यहाँ रहें तो कुपोषण मिटावे खातिर हम NRC से ग्राम पंचायत एक कई के और उनका लिया के कुपोषित कुपोषण मिटाएं। आज कुपोषण मुक्त ग्राम पंचायत परमार चौहानन टोला है। एक सरपंच के काम कंक्रीट करब भर नहीं होता है, एक सरपंच के काम आर्थिक सामाजिक विकास करब होते हैं। आत्मनिर्भर ग्राम पंचायतों बनाने राजस्व एमेर हमारे यहाँ 10,500 रुपया के कर वसूली आई है। तो लगभग अब वृद्धाश्रमों बनवान है अपने यहाँ और आगे दुकान बनावे खातिर ने कि आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बने तो प्रयास में है। बहुत बहुत सबका धन्यवाद। निश्चित तौर पर एक देखिए यह विकास के कहा थे ना, विकास एक सतत प्रक्रिया है, किंतु वह सतत प्रक्रिया के अपना हिस्सेदार जब बनब तब वह विकास संभव हो सकत है। हालांकि जो ग्राम पंचायती पंचायती राज व्यवस्था के जो सपना जो है देखा गया रहा, तो यह देखा गया रहा कि
एक सरपंच चुना जाइए और गांव के वह विकास खातिर जो है वो का फ्री हैंड दें जाइए और ग्राम पंचायत में अच्छा खासा फंडो जो है सरकार दे थी, किंतु वह फंड के जो है ऐसा खुर्द-बुर्द कह दे थे कि ग्राम पंचायत के कोनो अंतिम व्यक्ति तक छोड़ी का केहू तक हुआ फंड नहीं पहुंच पावे ना गांव के विकास हो पावे। किंतु हम तो कहते कि वीरेंद्र सिंह जैसा लोग जो है सरपंच बने और सरपंच बन के एक गांव के दशा दिशा सब तय कह दिन और हालात यह है कि पूरे मध्य प्रदेश का गौरवान्वित कह दिन सीधी के एक छोट सा लगभग कितनी अपना की है कि जनसंख्या का हुई 3,000 मतलब एक अच्छी पंचायत थी जो में अच्छी खासी जनसंख्या हुई और यह कहा जाए कि जो में वीरेंद्र सिंह सपना दिखे रहे हैं जौने जौने चीज़ के लेके वो माँ अच्छी खासी मेहनत करे पड़ती या कोनो एक दिन के प्रक्रिया ना हो और लगभग अपना कब से है सरपंच हुआ 2018 से और अब जो है 2021 चल रहा है तब तक माँ 3 राष्ट्रीय पुरस्कार वीरेंद्र सिंह जी के द्वारा जो है उनके टीम के पूरी एक साथ के मेहनत के चलते एक गांव का जो है बेहतर गांव बनाएं और उन्हीं के काम देखत की राष्ट्रीय पुरस्कार पीएम मोदी के द्वारा वह पुरस्कार प्रदान किए जाए जो में पूरी सीधी गौरवान्वित हो। तो वीरेंद्र सिंह जी यह बताई कि चलिए एक तो बात हो गई कि अपना इतना काम करें तो लोगन से का अपील करे चाहे जो आज जनप्रतिनिधि बना थे सरपंचिक चुनाव अब बन वाला है समय पूर हो गया है तो ऐसा का लोगन से अपील करब कि वह यह प्रेरित हों और जो है यह में काम करें कि उन्हों हम कहीं तो राष्ट्रीय न मिले तो कुछ प्रदेश स्तर के मिल जाए जिला स्तर के मिल जाए कुछ तो करें कहे कि जो में स्थिति हम दिखे हैं कहे कि यह दौरान हम कवरेज के दौरान दिखे कि लोग जो है सरपंच सचिव रोजगार सहायक से इतना त्रस्त हैं कि नाली नर्दा जो है सबके पैसा खाए लेन मतलब लोगों की बुनियादी जरूरत नहीं पूर हो पावती है। तो हमको तो नहीं लगे कि जो मैं अपना योजना के बाद बताए रहें तो इतनी योजना तक हालांकि उपचे पहुँच पही मगर अपना कुछ तो अपील कर ली और कुछ समझाइश दे दी कि आखिर सरपंच बना बहुत बड़ी बात ना हो वह सरपंच बने के बाद जो जिम्मेदारी अपना का मिली है उसका पूर्ण करब वह बड़ी बात है। तो के खेती का कहा अपना लोगन से हम जितने सरपंच फिलहाल में अब काम कर रहे हैं उम्मीदवारी खेती काम कर रहे हैं जो बनाए चाहते जी अग्रिम बनाए चाह हाँ तो हमारा अपील है रही कि सरपंच यदि ठान ले सरपंच यदि ठान ले तो गांव को स्वर्ग बना दे। सरपंच का दायित्व तो यह है कि निर्माण तो दायित्व ही ना होए निर्माण तो ये सरकार के काम आए इस तरह तो प्रक्रिया ही चलत रहता है निर्माण सरकार का ही कई एजेंसी होती हैं सरपंच के काम यह ना होए सरपंच के काम आए कि समाज में अपने गांव में अपने परिवार में अपने पूरे गांव में हर क्षेत्र में हर तबके के लोग का एक समाहित एक दृष्टि से देख के तो वहाँ तो यह नहीं देखा कि पड़ा था कि को वोट दे है को वोट नहीं दे आए वो के न्याय के कुर्सी में बैठे थे तो न्याय सरपंच का करे चाहिए और जी पात्र है और ओखा अधिकतम हम तो देखी थे बड़ी दयनीय स्थिति है बहुत अच्छा कनिष्क भाई इनठे बोले हैं कि सरपंचन के का होते कि निर्माण करत और वहीं में परे रह जाता और काम और दूसरा ध्यान देते नहीं आई बहुत वृद्धा पेंशन खातिर मरल ला को विधवा पेंशन का मरल ला क्योंकि प्रसूति वह तो विवाह सहायता प्रसूत सहायता नहीं पाते बिटिए गरीब करीन तो अब विवाह सहायता मिलते विवाह सहायता नहीं मिलते तो कमी सरपंचन के आए ऐसे नहीं पाए पाते वो कि उनका न तो समय से पंजीयन बनवाए पाते न उनका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं यह काम सरपंच के आए कि वह गरीब व्यक्ति न जनपद पहुंच सके न जिला पहुंच सके तो सरपंच होकर फार्म भरवामा जैसे हमारे यहाँ जितने होता हमारे यहाँ के जनपद और जिला नहीं जाता है हम स्वयं जी थे हमारा रोजगार सहायक जाता हमारा सचिव जाता हम सीओ को फ़ोन करी थे और सीओ का पूरा हुआ कह के पंजीयन बनवावा था और जैसे हमारे यहाँ आदिवासी जाति में कोल जाति हैं कोल जाति तो इतनी एक्टिव नहीं होते बेचारे वो नहीं पहुँच पाते और जब पहुँचता हूँ उन्हों को मना करी थे कि यह सगला प्रक्रिया से हुई रजिस्टर में पूरा एंट्री हुई कि जनपद में जाइए और फिर वहाँ से पावती लीन जी कि कितने पंजीयन बने कितने नहीं बने और तब जाके वह पूरा पंजीयन बना थे पूरा पावती यहाँ आवा थी अब यहाँ का कर रहा था कि जा था वहाँ मिला जुला था मिलजुल के फार्मा जनपद में हरा जा था और सरपंच लोग अपन सौवत बैठे रहा था
तो ऐसा न बने के पी सरपंचन का कि हर गरीब के आदमी का हर योजना के लाभ मिले। हम तो अपने यहाँ कैंप लगवाए के गैस बांटा था एजेंसी वाले, तो गैस यहाँ नहीं बटे, ग्राम पंचायत में बटा थी, वहाँ हर आदमी का बुलाए के वो गरीब बेचारे नहीं आ पाते। पेंशन का वहाँ बुलाए के बंटवाए थे अपने आगे के, ताकि उनके पैसा में गड़बड़ी न की जाए। हमारे यहाँ खुदा बोर्ड लगा के रिश्वत ना दें, हर पब्लिक खातिर लिखा है कि रिश्वत ना दें, और ना तो कोनो कर्मचारी हमारा रिश्वत ले सकते, ना हम रिश्वत जनपद में दे, ना रिश्वत गरीबन खातिर। ओखा करे के पड़ी, चाहे जनपद की जौन अधिकारी हो, चाहे जिला के जौन अधिकारी हों, ओके खातिर हम लड़ के जाब। लेकिन यदि हम भ्रष्टाचार करब तो ना हम जनपद में बोल पाऊँ, ना CEO को बोल पाऊँ, ना तो कलेक्टर से बात कह पाऊँ, ना केहू से कह पाऊँ। और अगर भ्रष्टाचार हम नहीं करी लागा है, तो जैसे परमार चौहानन टोला में काम हो रहा है कि कौनो वैसा व्यक्ति नहीं बचा जे के घरे में सरकारी योजना के लाभ न जात हो, चाहे जौने रूप में जात हो। यह में हर सरपंचन के करे चाहिए, सीख ले चाहिए, कुछ लोग सीख ली नहीं और ले लाहा। और हम चाहब कि यदि ग्राम पंचायत में काम करे का है, शासन के मनसा हो यह है कि राष्ट्रीय अवार्ड खातिर हर आदमी आगे आमा, और राष्ट्रीय अवार्ड का जब आगे आई तब भ्रष्टाचार कर बंद कह दे, तब राष्ट्रीय अवार्ड पाई हैं। और नहीं तो राष्ट्रीय अवार्ड न मिली तो सबका राष्ट्रीय अवार्ड ले चाहिए, और सब राष्ट्रीय अवार्ड यदि ले ही तो अच्छे से काम होई, और जन जन मानस में ओकर लाभ पहुँची, और सरपंच पूरे सरपंच ठाने लें MP में या हर प्रदेश में हर देश में। भारत गाँवों में बसता है, भारत गाँव में बसत है, और जब गांव में बसत है तो जब हम गांव को स्वर्ग बना दे तब भारत अपने आप विकास कह जी। निश्चित तौर पर यह बेहद अच्छी बात निकल के सामने आई कि सरपंच जो है महज एक जनप्रतिनिधि ना हुए कि गाड़ी मोटरसाइकिल के आगे लिखा ले सरपंच, अपने गाड़ी के आगे कार के आगे लिखा ले सरपंच, हुआ सरपंच ही ना हुए। सरपंच हुआ है कि वह हर गरीब व्यक्ति जो सरकारी योजना खातिर ललायत रहत है, जो जेके खातिर सरकार जो है दिन रात जो है अपने सिस्टम का लगौती है, ओके खातिर नई नई योजना ओके उन्नयन खातिर बनौती है कि ओके जीवन स्तर में सुधार हुए। किंतु हालात यह होते हैं कि ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार के ऐसा आंधी चला थी कि वह सरकारी योजना के तो पता ही नहीं चले, वह आंधी में वो नस्तनाबूत हो जाती। किंतु जरूरत यह है कि वीरेंद्र सिंह जैसा परमार चौहानन टोला के सरपंच से सीख लेके आवश्यकता ही कि भले राष्ट्रीय पुरस्कार न मिले किंतु लोगन के जो सेवा के दायित्व है, ऐसे लोग जो है चुनाव लड़े जे काम करे चाहते वो ही लड़े। जरूरी नहीं है कि भाई सरपंच बन जाए ही कितनी तनख्वाह पाई थी अपना, कितना पाई थी 1750 रुपये में कहूँ अपना के घर बन जी। किंतु जो आदमी काम करे चाहते ओके अंदर जो है वह क्षमता ही कि एक ग्राम पंचायत में वह पूरा समय दे के लोगन के जो है अंतिम पंक्ति तक मदद करे चाहते हैं, तो ऐसा लोग आगे आमे और जीते लड़े और गांव के विकास करें, तो निश्चित तौर पर गौरवान्वित होने वाला विषय है। और हम तक खुद गौरवान्वित हो रहा है कि वीरेंद्र सिंह जैसा सरपंच हमारे सीधी जिला में है, जिनके वजह से आज पूरा मध्य प्रदेश पूरे देश में जाना जान लग है। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।